सरकार सिर्फ गुर्जर समाज के ऊपर अत्याचार नहीं कर रही। याद करो 2 अप्रैल की घटना, जिसमें पूरे देश में दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों हजार लोगों पर दलितों पर मुकदमे हुए। याद करो हरियाणा का जाटों का आंदोलन, उसका हाल संजय सिंह जैसा हो जाता है। बताइए, मैं इसलिए स्पष्ट उसके उस व्यक्ति के उस शख्स के बारे में बोल रहा हूं कि क्या गुनाह था उस शख्स का, सिर्फ उसने बात जनता की उठाई, जनता की गाड़ी कमाई की उठाई और सरकार की आंख में आंख डालकर ये बात कही कि तुम उद्योगपति धन्ना सेठों को सिर्फ फायदा कर रहे हो। और ये सरकार जो जुल्म और जाति की इंतजार कर रही है, हम लोग वोट के माध्यम से इनका जवाब देने का काम, बल्कि उन हजारों हजार नौजवान साथियों के लिए सहयोग है जिन लोगों पर मुकदमे कई NSA लगाकर जुल्म और जाति की जा रही है। मैं जब सुबह लोगों से फोन पर बात कर रहा था तो जिस जिसके पास हमारा फोन गया, वो मेरठ के चाहे किसी भी तहसील के थे, गांव के थे, वो तमाम साथी हमारे आन पर और इसके साथ साथ आसपास जिले के लोग थे, वो तमाम साथी आज इस जंतर मंतर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। मैं आपका एक एक साथी का आभार व्यक्त करता हूं जो हमारे गुर्जर समाज के लिए नहीं नहीं आप उसकी चिंता मत करो, बोलता रहूंगा उससे, परेशान तो कोई परेशान तो नहीं हो रहा उस बात से, आप परेशान मत हो ना, मैं बोलता रहूंगा। तो मैं चूंकि कई बार जब मंच इस तरह का रहता है जिस पर राजनीतिक लोग बैठे रहते हैं और किसी ना किसी रूप में सामाजिक योगदान उनका रहता है, अगर वो व्यक्ति मंच से बोल नहीं पाते तो उनके मन में ये बात रह जाती है कि वे मुझे नहीं बुलवाया गया, मेरी बात आती तो मैं ज्यादा बोल सकता था, ज्यादा कुछ कह सकता था। उन सब साथियों से मैं माफी चाहता हूं और जिन लोगों ने आज अपनी भागीदारी दी है उनका मैं धन्यवाद दूंगा कि आप इस सहयोग में इकट्ठा यहां पर हुए। ये आप ध्यान रखना कि जब जब लड़ाई की आगाज होता है, जब जब कोई लड़ाई शुरू होती है, तो उसकी शुरुआत करने वाले लोग संख्या में कम हुआ करते हैं, अगुवाई करने वाले लोग, जागरूक लोग हमेशा संख्या में कम ही रहते हैं, अधिकतर लोग समाज के सोए में रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से आपने अपना योगदान यहां पर दिया, यह शुरुआत भर है। अभी जो आने वाला समय है, हमें सब लोगों को इकट्ठा होकर बाबा साहब की उन लाइनों पर चलना पड़ेगा जिसमें शिक्षित बनने की बात, संगठित होने की बात और संघर्ष करने की बात कही गई है। ए बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे कर्मठ ऐसे लोग जो आज चाहे किसी पद पर है, ओहदे पर है, आज इस जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, उन सब साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने ग्वालियर में भी ये बात कही थी कि हम लोग यहां पर इकट्ठा हो गए, ये बड़ी बात है, बड़ी बात। इसके बाद ना जाने कितनी बार हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। आज आप हजार की संख्या में हो,
लेकिन जब अगला प्रोग्राम इस जंतर मंतर पर करेंगे, आपसे वादा करता अतुल प्रधान, यहां पर लाखों की तादाद होगी इस दिल्ली में। अभी फोन पर आन किया, जिन लोगों को सोशल मीडिया से पता चल गया वो लोग आ गए। मेरठ से चले तो सैकड़ों गाड़ियां थी, लेकिन हमारे मंच के साथी जितने बैठे हैं मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन अभी इससे ज्यादा करने की जरूरत है। जब हम कोई कार्यक्रम प्रोग्राम आयोजन करते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इकलौते का प्रोग्राम नहीं होता। अगर हम सब लोग हिम्मत से आज ही मेहनत कर लेते तो शायद यही संख्या आपकी 10 गुने में तब्दील हो जाती। लेकिन कई लोगों के मन में यह भाव रहता है, यह बात चली जाती है कि इस प्रोग्राम में हम पहुंचेंगे और सिर्फ अपनी उपस्थिति देंगे। लेकिन मैं उसकी उनकी उपस्थिति को भी नमन करता हूं। और जो राजकुमार भाटी जी ने बात कही कि आपका नंबर भी आने वाला है, यह सरकार सिर्फ गुर्जर समाज के ऊपर अत्याचार नहीं कर रही। याद करो 2 अप्रैल की घटना, जिसमें पूरे देश में दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया, हजारों हजार लोगों पर दलितों पर मुकदमे हुए। याद करो हरियाणा का जाटों का आंदोलन, जिसमें हजारों हजार लोगों पर मुकदमे हुए, जातियां हुई। याद करो महाराष्ट्र का आंदोलन, जिसमें मराठा लोगों पर जातियां हुई। याद करो गुजरात के पटेलों का आंदोलन, जिसमें पटेलों पर जातियां हुई। याद करो आप लोग कुछ समय त्यागी समाज के लोगों का आंदोलन। याद करो आप लोग कि जब भी किसी पर दिक्कत और परेशानी आती है तो ये सरकार कोशिश करती है कि उसको कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए। जो इस सरकार के खिलाफ बोलता है उसका हाल संजय सिंह जैसा हो जाता है। बताइए, मैं इसलिए इस मंच से उसके उस व्यक्ति के उस शख्स के बारे में बोल रहा हूं कि क्या गुनाह था उस शख्स का, सिर्फ उसने बात जनता की उठाई, जनता की गाड़ी कमाई की उठाई और सरकार की आंख में आंख डालकर यह बात कही कि तुम उद्योगपति धन्ना सेठों को सिर्फ फायदा कर रहे हो। सब जाति वर्ग के लोग यहां पर है, हमारे सैनिक समाज के लोग भी आए, कुछ त्यागी समाज के आए, राजपूत समाज के भी आए, जाटों समाज के भी आए, ब्राह्मण समाज के भी आए, हमारे गुर्जर समाज के साथ साथ जाट और यादव समाज के लोग यहां पर आए, जितने भी समाज के लोग यहां पर आए हैं, चाहे वो 1 की संख्या में है, 2 की संख्या में है। मैं अतुल प्रधान उनका आभारी हूं, हमारे समाज का प्रत्येक व्यक्ति आपका आभारी है। जब जब किसी मुद्दे की बात आएगी, आप पर कोई हक और अधिकार छीनने की बात आएगी आपके, तो हम सब लोग आपके साथ खड़े नजर आएंगे, हमारा वादा है आप लोगों से। लेकिन दोस्तों साथियों, चूंकि मुद्दे की बात पर चलना चाहिए, यह मौका ऐसा है कि जब हम लोग इकट्ठा यहां पर जंतर मंतर पर है तो हमें जातियों के बंधन तोड़कर जो लोग गलत करते हैं उनके खिलाफ एकजुट बनना पड़ेगा, इकट्ठा होना पड़ेगा। सहारनपुर का आंदोलन याद करिए, नौजवान साथियों ने इकट्ठा होकर एकजुट होकर चलाया उस पद यात्रा को सफल बनाने का काम तमाम लोगों ने किया। कैथल में घटना हुई, आप सब एकजुट थे, हमारे हापुड़ के साथी यहां पर बैठे हैं, हमारे बिट्टू भाई बैठे, तमाम हापुड़ से लोग आए हैं। क्या गुनाह था, राजेश पायलट जी के नाम पर प्रोग्राम कर रहे थे किसान लोग, आपने 1 दिन पहले परमिशन कैंसिल कर दी। ग्वालियर के उस मंच पर अतुल प्रधान खड़ा था और तमाम साथी खड़े थे,
मेरा एक एक शब्द सुन लीजिए, उस हर एक शब्द में अपने लोगों को नसीहत थी। ये कहा था अतुल प्रधान ने कि भीड़ कितनी बड़ी इकट्ठी हो जाए लेकिन अगर अनुशासित नहीं है, अनुशासन में नहीं है, तो उस भीड़ से कोई लाभ आपको नहीं मिल सकता। एक और चीज कहूंगा, आज ये जंतर मंतर पर आपकी उपस्थिति, ऐसे तमाम साथी बैठे हैं जिनका आपस में कई लोगों का मत नहीं मिलता, लेकिन ग्वालियर के विषय पर उन पर जाति जो हो रही है उसके विषय पर हम सब एकजुट हैं। और मैं वादा आपसे देता हूं अतुल प्रधान कि संगठन की बात आई मन से, जब जब इकट्ठा होने का नंबर आएगा हम सारी जाति के लोगों को इकट्ठा करेंगे। हमारे सोशल मीडिया के साथी यहां पर सुन रहे हैं, यह आवाज जो आज इस राजधानी क्षेत्र से निकली है यह देश के कोने कोने तक जाएगी। और यह सरकार जो जुल्म और जाति की इंतजार कर रही है, हम लोग वोट के माध्यम से इनका जवाब देने का काम